नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का सुबह मीटिंग आपका पेपर था, शाम के मीटिंग आपका ग्रुप सी का पेपर होता है। तो देखिए, ग्रुप डी का पेपर जो आपका हुआ है उसका हिंदी के हम पूरे आपको सोल्यूशन करा दे रहे हैं। अभी हिंदी का मिला है, अभी जैसे जैसे पेपर पूरे मिलते जाएंगे हम आपको पूरे सॉल्व कराते जाएंगे। तो बहुत से व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से अभी तक, मित्र हमारे चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिनको जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। तो देखिए, वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन होगी, इसको आप लोग दबा दीजिएगा तो ये काली हो जाएगी और हमारे चैनल के पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो हम सी और डी का लगातार इसका सी और डी आपका सब कुछ सॉल्व कराएंगे। तो पहले हम आपका डी का देखते हैं, हिंदी के प्रश्न उत्तर देखते हैं। बहुत ही सरल पेपर आया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 25 के 25 पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं, बिल्कुल सही सही उत्तर हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, जो उत्तर ना दे सके, ये पहला प्रश्न आया था, 26 से लेकर 50 तक आपके पूरे प्रश्न होंगे। जो उत्तर ना दे सके उसका क्या होता है, निरुत्तर होता है, बी नंबर सही है इसमें। फिर इसके बाद बात करते हैं 27 नंबर की। तो देखिए, 27 नंबर में क्या है, शर्करा का पूछा गया है तद्भव, तो तद्भव मतलब होता है हिंदी वाला, तो आपका शक्कर होगा, इसका सी नंबर सही है, 27 का सी सही है। इसके बाद बात करते हैं हमारे 28 क्वेश्चन की, इसमें लिखा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो इसमें पूछा गया कौन सा रस है। देखिए, इसमें जो है आपका भक्ति रस का प्रयोग किया गया है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा इसमें। इसके बाद आपकी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नहीं दिख रहा है लेकिन लगातार हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। वह सो रहा था, देखिए यहाँ पर आप था का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका भूतकाली है। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी सिंपल पेपर था, आप लोग सॉल्व करिएगा और बताइएगा आप 25 में से कितने करके आए। एग्जाम में दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया गया है, तो आप लोग इसको देखिए, वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, तो इसको देखिए जो सही है इसका, तो ये इसका जो मुझे सही लग रहा है वो सी ऑप्शन लग रहा है, वो बक्सा जो कल यहीं रखा था। देखिए, जो कल यहीं रखा था एक पूरा वाक्य है, आज नहीं है, तो यहाँ पर जो कामा का निशान है देखिए इस प्रकार से ये प्रयोग होगा, सी नंबर पे देख लीजिएगा आप लोग एक बार। उसके बाद बात करते हैं देखिए 31 नंबर की, रमेश कल आएगा, तो इसमें देखिए रमेश कल आएगा, इसमें देखिए रेखांकित भाग में पूछा है आपसे कि इसमें से कौन सी संज्ञा है, तो रेखांकित भाग में आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रमेश एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यहाँ तक हमारे 31 क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम अपने 32 क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि लोकोक्ति का आपके अर्थ बताना है, काला अक्षर भैंस बराबर, ये काफ़ी फेमस लोकोक्ति है, तो इसका जो होता है बिल्कुल से निरक्षर मतलब व्यक्ति होता है, अनपढ़ व्यक्ति कह सकते हैं, बिल्कुल निरक्षर व्यक्ति कह सकते हैं, तो 32 का ए सही होगा। दिए गए विकल्पों में से उपविराम, देखिए उपविराम और अर्धविराम में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अर्धविराम इस प्रकार से लगता है कामा लगा करके, और जो उपविराम होता है वो सिर्फ कामा ही होता है, वो हमारा उपविराम होता है, तो 33 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक हमारे देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की अधिकरण में पेपर और संबोधन हे भो अरे, तो यहाँ पर हमारे 34 का सी सही होगा, मतलब कि 8 प्रकार के आपके कारक होते हैं। आप लोग बिल्कुल सरल से सिंपल ढंग से पेपर करते हैं तो काफ़ी आसान से पेपर ये सॉल्व हो जाता, और वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि आपको पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अच धन अंत से पूछा गया आपसे, सही अर्थ सही आपसे विकल्प पूछा गया, ये संधि है, और ये जो आपकी है विसर्ग संधि है, विसर्ग नहीं सॉरी व्यंजन संधि है। तो देखिए चाच आपका जो अच का होगा, अच धन अंत होता अजंत होता है, 35 का ए नंबर सही है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा, अगर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो हम लोग आपका कमेंट पिन कर देंगे, ताकि आपके उत्तर भी सभी लोग पढ़ सकें और आपको जानकारियाँ मिल सकें। इसके बाद बात करते हैं देखिए, संकीर्ण पूछा गया, संकीर्ण शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो आगे लगा होता है वो हमारा उपसर्ग होता है, तो सम जब ऊपर लगता है ना विसर्ग की ओर, तो वो संकीर्ण मा अंक की मात्रा लग जाती है, तो इसमें सम होगा उपसर्ग, सन मत करिएगा, इसमें सम उपसर्ग है। 36 नंबर की बात करें, 37 की बात करते हैं कि मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था, तो आश्रित उपवाक बताना है आपको, इसमें जो आश्रित उपवाक है जो बहुत मोटा था, ये यहाँ पर आश्रित उपवाक है, 37 का डी नंबर सही है। तो देखिए 37 का जो हमारा सही आंसर है वो है जो बहुत मोटा था, ये आश्रित है देखिए पहले वाले वाक्य पे। इसके बाद आपसे पूछा है कि विशेषण का प्रकार बताना है, कौन सा विशेषण, आपको मालूम विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, तो चारों प्रकार इसमें दिए गए हैं। तो देखिए जो इसमें विशेषण का प्रकार है वो है दो पुस्तकें ले आना, दो पुस्तकें को हम गिन सकते हैं, वो संख्यावाचक में प्रयोग होगा, 38 के नंबर का बी सही होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और इसके बाद 39 नंबर में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, आपका प्रथम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है, इस प्रकार से आपके 3 प्रकार होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में उचित विकल्प आपसे पढ़ने के लिए कहा गया है, अनेक भाषाएँ बोलने वाले को क्या कहते हैं, तो वो बहुभाषी होता है, बहु मतलब बहुत सी भाषाएँ बोलने वाला।
और 41 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्य के भेद बताना है आपको। आहा, भारत जीत गया, मतलब कि एक आश्चर्य है कि भारत जीत गया। तो ये यहाँ पर देखिए निशान भी बना होता है, ये विस्मय बोधक का निशान होता है ये, तो 41 का डी सही हो जाएगा। 42 नंबर की बात करते हैं, विकल्पों में आपको स्वर बताना है। स्वर देख सकते हैं आप, आ से लेकर आहा तक आपके स्वर होते हैं। अगर अंग आहा को जोड़ दें, आयोग वाह होते हैं, तो आपके 9 आपके स्वर हो जाते हैं। वैसे भी ऋषि को मिला करके 11 स्वर हो जाते हैं, उसमें से आपका आ भी एक स्वर होता है। अब इसमें बात करते हैं, देखिए जाते पूछा गया, जाते शब्द में प्रत्यय पूछा गया। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय होता है, तो ते इसमें लगा गया प्रत्यय, तो बिल्कुल सिंपल है आपका, ते जो है ये पीछे जुड़ा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं, विस्मय बोधक चुनना है आपको। देखिए फिर से आ गया इसमें, इसमें से शबास, शबास विस्मय बोधक के निशान भी बना हुआ है, और आप लोग समझते भी शबास एक विस्मय बोधक शब्द है। तो यहाँ तक हमारे 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे 45 क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दिए गए शब्द में बहुवचन चुनना है आपको, तो दुल्हनिया दिया गया, दुल्हनिया, तो दुल्हनिया का जो बहुवचन होगा दुल्हनिया होगा, जो अंक की मात्रा यहाँ पर लग गई है ना, वही आपके दुल्हनिया हो जाएगा। सी नंबर सही है इसका। अब 46 नंबर की बात करते हैं, अक्ल बड़ी या भैंस, फिर से एक मुहावरा आ गया, और बहुत ही सिंपल मुहावरे आप लोग को मिल रहे हैं। मुझे लगता भी इसकी आपके मेरिट बताऊंगा मैं आपको, तो लगभग जो मेरिट है 90 से 94 के बीच में जाएगी। जिस प्रकार से पिछली बार गई थी उसी प्रकार से इस बार जाने वाली है, और कट ऑफ आपको बताई भी नहीं जाती, इतनी ज़्यादा मेरिट चली जाती है। कुछ लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, तो वो जो आपकी प्री होगा इसके बाद मेंस होगा, तो टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर में लगभग जनरल की 196 नंबर तक मेरिट जाती है, और 190 SC मैंने कैंडिडेट को सिलेक्ट हुए देखा है। हाईकोर्ट ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। अक्ल बड़ी या भैंस, तो इसमें जो आपका है कि शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है, तो 46 नंबर का सी सही हो जाएगा। 47 नंबर की बात करते हैं, निरीक्षण को सही रूप में लिखना है आपको, तो निरीक्षण का जो सही रूप होता है वो है देखिए ये दूसरा नंबर, निरीक्षण, छोटा नी रहेगा और बड़ी री रहेगी, यहाँ पर आपका ये निरीक्षण सही होगा। 48 नंबर की बात करते हैं, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द, मतलब अमृत का पर्यायवाची, तो अमृत का पीयूष होता है, मधु होता है, बहुत से होते हैं, तो ये पीयूष हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं, दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो देख लीजिए इसमें विलोम शब्द क्या होगा, फिरना, मतलब घूमते रहना, एक जगह पर स्थिर ना रहना, तो आपका जो इसमें विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो आपका स्थिर सही हो जाएगा, तो सी नंबर आपके इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट करते हैं, मैंने लास्ट क्वेश्चन की, वर्तनी के आधार पर वाक्य को शुद्ध रूप में चुनना है आपको, तो इसमें देखिए आपका स्वास्थ्य कैसा है लिखा हुआ है, आपका स्वस्थ कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, और आपका स्वस्थ कैसा है, तो देखिए जो स्वास्थ्य लिखा जाता है ना, वो सही रूप जो स्वास्थ्य का यही रूप है, बड़ा आपका ये होता है, फिर यहाँ पर ये स्वास्थ्य होता है, और वो जो स्वास्थ्य लिखते हैं हम लोग था को हटा करके या को हटा देते हैं, जैसे पहले में लिखा ये अशुद्ध रूप होता है, और दोनों इस ऑप्शन में दिए गए, तो 50 का हमारा जो सही होगा ना वो आपका सी ऑप्शन सही होगा, तो आप लोग इसमें सी करिएगा। और देखिए ये हिंदी का हमने डाला है, धीरे धीरे करके देखिए पेपर मिल जाएगा, तो और भी हम आपको डाल देंगे। हिंदी और मैथ भी काफ़ी जी आई थी, इंग्लिश भी जी, सब कुछ जी था, बस आप लोग को वहाँ करने थे सारे क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, आप लोग को सारे अटेम्प्ट करने थे, और सब कुछ करके आइए आप लोग। और अभी कटाप भी हम शाम तक बनाने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर बात होती है तो हमारे कटाप बनाते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए और इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम आपके उत्तर को ज़रूर उत्तर देंगे आपको। और ये देखिए संकीर्ण का आप लोग सही करिएगा, सम होता है इसमें, कुछ जो आप लोग गलतियां कर सकते थे, और अच धन अंत अजंत होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और ये काफ़ी हद तक सही है इसके आंसर। तो अब आप लोग बताना है आप लोग इसमें से कितने सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। धन्यवाद।